अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान, और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन एक्चुअली क्या होती है मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखें, सैचुरेशन होती है किसी भी कलर की इंटेंसिटी, बिल्कुल वैसे जैसे आप टेलीविजन पर एक ऑप्शन होता है, आप कलर कम या ज्यादा कर सकते हैं, दैट इज सैचुरेशन। आप सैचुरेशन बढ़ा रहे होते हो या घटा रहे होते हो। सो फोटोशॉप में हमारे पास सैचुरेशन भी दी हुई है और वाइब्रेंस भी दी हुई है। वाइब्रेंस क्या होती है, वो भी वही है, कलर की सैचुरेशन ही है, लेकिन मोस्टली फ्रॉम द मिड टोन्स, आपके इमेज के जो मिड टोन्स वाले एरियाज होते हैं वहां की सैचुरेशन को कम ज्यादा करने को कहते हैं वाइब्रेंस। और ये सब कैसे होगा और इससे क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये मैंने अब बहुत ही मेरा फेवरेट शॉट है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, वजीर खान मॉस्क। सो अगर आप कभी लाहौर गए होंगे तो होपफुली आपने जगह देखी होगी। इट्स अ ब्यूटिफुल मॉस्क, मुगल्स के दौर की है और ये एक मूवी में भी आई है, पाकिस्तानी मूवी खुदा के लिए। एंड आई बिलीव बहुत सारे मेरे इंडियन व्यूअर्स ने भी वो फिल्म देखी होगी, उसमें ये मॉस्क के अंदर एक दो सीन्स हैं। सो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा यार, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। एनीवेज, सो लेट्स बिगिन। इसके साथ ये है कि मैंने ये तस्वीर ली थी, बहुत अच्छी आई है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कलर्स बड़े डल से आ रहे हैं। एंड मैं चाहूंगा कि इसके कलर्स थोड़ा सा वाइब्रेंट से हो जाएं, थोड़े से बहुत ही खिलते हुए से कलर्स आए, बहुत अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूंगा कि इसके थोड़ा सा लेवल्स या कर्व्स हम थोड़े से एडजस्ट कर लें ताकि एक्सपोजर वगैरह भी सेट हो जाए। आप चाहें तो एक्सपोजर से भी कर सकते हैं, लेवल से भी कर सकते हैं, कर्व से भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स टेक कर्व्स, और मैं यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा एक हाई कंट्रास्ट थोड़ा सा डालना चाह रहा हूँ। मैं बस यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्राइट कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, राइट। एंड इससे फायदा ये होगा कि इसकी कंट्रास्ट थोड़ा सा हाई हो जाएगा, राइट। सो सी दिस, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, राइट। नाउ ऑफ कोर्स जब आप कर्व्स एडजस्ट करते हैं तो किसी हद तक आपके कलर्स भी एडजस्ट हो ही जाते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी चाह रहा हूँ। नाउ मैं यहाँ से ले रहा हूँ आपका वाइब्रेंस, एंड वाइब्रेंस में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें आपके पास दो स्लाइडर्स दिए हुए हैं, एक वाइब्रेंस है, एक सैचुरेशन है। तो सैचुरेशन को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखें ओवरऑल कलर बहुत ज्यादा हो रहा है। सो जहाँ जहाँ येलो था वहाँ भरपूर येलो आ गया। अगर देखें मैं इसको नॉर्मल पे ला रहा हूँ, देखें कितना लाइट सा येलो है, लेकिन मैं जैसे ही इसको बढ़ा रहा हूँ बहुत तेज येलो आ रहा है, राइट। नाउ सिमिलरली रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मगर मुझे इतना ज्यादा इसको नहीं करना है, राइट। अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ाता हूं तो देखें क्या होता है कि कलर्स ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मिड टोन्स पर। ये और से देखिएगा, ना शेडोज में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है ना हाइलाइट्स में, ये सिर्फ और सिर्फ मिड टोन्स में कलर्स को एडजस्ट कर रहा होता है, मतलब बढ़ा रहा होता है या घटा रहा होता है। नाउ हम इसका एक फायदा ये उठा सकते हैं कि मैं यहाँ से थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ। ऑफकोर्स जब हम सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा हर जगह पे कलर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं बैलेंस करूंगा सिंपली वाइब्रेंस के साथ। सो वाइब्रेंस थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, सैचुरेशन को मैं बढ़ा रहा हूँ। दैट मीन्स के जहाँ शेडोज हैं और हाईलाइट्स है वहां पे कलर बढ़ रहे हैं, और जहाँ मिड टोन्स हैं उसमें से मैं कलर्स कम कर रहा हूँ ताकि हमारा इमेज नेचुरल लगे। याद रखिएगा, अगर मिड टोन्स में भी बहुत ज्यादा कलर्स आने लग जाएंगे तो बहुत फेक सा लगता है, कार्टूनिश से कलर्स आने लग जाते हैं, जो कि कम से कम मुझे तो पसंद नहीं है। हर एक की अपनी चॉइस होती है, बट मैं इसको इतना सा ही करूँगा। देखिए बहुत छोटा सा ही एडजस्टमेंट है, इसमें मजीद कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ, राइट। हाँ, अलबत्ता इसमें ये जरूर है कि मैं इस इमेज को और थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहा हूँ। सो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं कर्व्स का एक और एडजस्टमेंट लगा रहा हूँ, और इस बार मैं कलर्स के साथ थोड़ा सा खेलूंगा। मैं थोड़ा सा रेड ओवरऑल इसमें बढ़ाना चाह रहा हूँ, या शेडोज में थोड़ा सा रेड बढ़ाते हैं यहाँ से, एंड साथ ही साथ मैं ब्लू को भी बढ़ाना चाह रहा हूँ। नाउ अगर आप यहाँ देखें नीचे जानमाज में, थोड़ा सा ब्लू भी यहाँ पर एडेड है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्लू को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, थोड़ा सा पॉप होकर आए, सामने आए, अच्छा लगेगा, राइट। एंड सी दिस, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा शेडो से इसको हाई कर रहा हूँ ब्लू को, एंड ओवरऑल अगर आप देखें इमेज में कई सारी जगहों पर ब्लू अब हमें दिखना शुरू हो चुका है। सो अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ, देखें ब्लू
है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके शेडोज में ब्लू ऐड हो रहा है। नाउ चूंकि हमने रेड भी बढ़ाया था तो थोड़ी सी पर्पल टोन आ रही है, विच आई लव इट यार, मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। एंड दैट्स इट। सो अगर आप इसको बिफोर एंड आफ्टर की बात करें तो देखें मैंने ये सब हाइड कर दिया और अब आपका इमेज कुछ ऐसा आ रहा है। एंड सबसे पहले हमने कर्व्स किया था ताकि कंट्रास्ट एडजस्ट हो, फिर हमने वाइब्रेंस की थी एंड देन फिर हमने मजीद कर्व्स के थ्रू और कलर्स को एडजस्ट किया है। एंड आई होप आप लोगों को ये छोटा सा काम समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।